Good morning, Nation. Good morning. Okay, back to this is over here. Yes. Yes. This mission is over here. Yes. This is over here. Keep it as okay. Yes. Why is that one chance? Take some small food, like take some, and then take some. Keep one chance. After mobile phone sign, we will do. Whatever. Just if you are not able to get the data, so technically, you have to do something. तो आज का ये जो मेमो पैड है ना, आप सबके हाथ में होना चाहिए. This is going to give you a new dimension. आपको एक new dimension, एक new दिशा जरूर देगा creation के बारे में. Okay. आपके आते जो क्या बोलते हैं? भावना. भावना. भावना किसी वाला भावना नहीं है. भावना क्योंकि आते से क्योंकि विश्वास सब लोगों को बोल रहा हूँ. बोल भावना चाहिए. भावना. भावना. Okay. भावना. Okay. हमारा भावना क्या है? कैसे है वो हम देखें. Superstar को नहीं बोर्ड पे हमने क्या
आपने क्या देखा? ये सब तो बड़े भाई में मिल कला में बहुत सुंदर बड़ा व्हाइट बोर्ड सामने स्टैंड पर रखा है। बहुत सुंदर बड़ा व्हाइट बोर्ड सामने स्टैंड पर रखा हुआ है। सर वन ब्लैक डॉट ऑन द बोर्ड एंड द रेस्ट होल बोर्ड इज वैकेंट। ओके राइट। नहीं जो हमारा नजरिया वही ना हाफ एम्प्टी है हाफ भरे हाँ वही। अब जब भी आपको जैसे संतोष सर ने बोला 99% व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं और 1% ब्लैक स्पॉट है तो वो 1% को ऊपर हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? व्हाई इज इट दैट 90% ऑफ द पीपल आर फोकसिंग ऑन द ब्लैक स्पॉट लुकिंग टू द पॉजिटिव साइड एंड ऑल 99% का जो व्हाइट स्पेस आपके हाथ में है तो मतलब ये है फॉरगेट अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑल दोस स्टफ। इधर मैं ये बताना चाहता हूं अपने आप का जो कैपेसिटी क्या है वो देखने का है। हमारे लीडर लोग बोलते हैं आप कोयला देगा तो भी मतलब कोल राइट कोयला देगा तो भी सोना बोल के हम बेच सकते हैं। वो हिम्मत आपके आप में है तो वो अपने आप के ऊपर आपको विश्वास है इसलिए राइट और रॉन्ग। सो देन व्हाई आर यू वरीड अबाउट दिस 1% ना फॉरगेट अबाउट द 1% जब भी 90% लोग का फोकस इसके ऊपर होता है तो मालूम पड़ जाता है व्हाई आर वी नॉट सक्सेसफुल। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है 5 सेंसरी ऑर्गन्स होता है सही है राइट और रॉन्ग पंचभूत और 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स बाहर प्रोट्रूडेड है बाहर का चीज देख रहे लेकिन एक जो सेंस है दैट इज कॉल्ड द 6th सेंस वो किधर है अंदर है। वो अंदर का ताकत क्या है? अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होने का है अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होने का है वो आपका चॉइस है चांस नहीं है। That is your choice. It should be your choice. हम बोलते हैं मर जी जिया मर गए B2D जिंदगी ऐसा है बर्थ हो गया डेथ हो गया लेकिन उसका बीच में एक छोटा सा इंग्लिश अक्षर है वो है सी। ये सी सी हमारा लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होने का या नहीं होने का है वो आपका चॉइस है। क्या चॉइस है? बदलने का या नहीं बदलने का। डू आई नीड टू चेंज और डू आई नीड नॉट टू चेंज। अंडरस्टैंड वेदर आई नीड टू चेंज चॉइस है। क्या चॉइस है? वेदर यू नीड टू चेंज और नॉट चेंज करने का या नहीं। चॉइस हम लेते हैं चेंज करने का है जरूर चेंज करने का है। इस तरीके से हम आगे जाएगा तो मैं जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होने जा रहा हूं तो मेरे को चेंज करने का। तो वो चेंज करने के लिए क्या करता है? चेंज करने के लिए क्या हो जाता है? चैलेंजेस आता है ना आता है नहीं आता इज लॉट ऑफ चैलेंजेस। हर लोग बोलते हैं अरे तुम इतना मोटा हो गया कम कर दो वेट कम करने का तो मतलब मेरे को खाने का आदत है तो दैट इज अ चैलेंज फॉर मी राइट और रॉन्ग। जब भी मैं एक दूसरे जगह पे गया उधर का लोग बोलते हैं आपको इधर का भाषा पढ़ने का है दैट इज अ चैलेंज फॉर मी राइट और रॉन्ग। तो मैंने क्या किया? मैंने वो चॉइस किया चेंज करने के लिए। जब ये सब चीजें आसानी से होता है लाइफ में
ये सब चीजें आसानी से होता है लाइफ में, लेकिन ये जो चीज जो आसानी से नहीं होता है वो है चैलेंज, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ये चैलेंज को कैसे हैंडल करने का है, इसलिए हम लाइफ में फेल होता है, बिकॉज वी आर नॉट इन पोजिशन टू टेक अप चैलेंजेस। ये चैलेंज हासिल करने के लिए आपको दोबारा दो चीज सीखने की जरूरत है, That is confidence and courage. Courage चाहिए और आपको confidence चाहिए. Courage और confidence चाहिए. अपने आप के ऊपर भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए. जो भी है वो करने के लिए और करके दिखाने के लिए आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, confidence होना चाहिए. I can do it. I will do it. अगर ये कॉन्फिडेंस और करेज आपके हाथ में है, चैलेंज को आप ऑटोमेटिकली ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी हमारे पास ये कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, करेज भी नहीं होता है, सही है ना? Yes. जब हम मार्केट में जाते हैं रिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी चीज के बारे में बताना चाहते हैं, कन्विंस करने के लिए जाते हैं, नेगेटिव सुन लिया, नेगेटिव सुन लिया, नेगेटिव सुन लिया, कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे कम हो जाता है। वो जब भी वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे कम हो जाएगा, करेज धीरे-धीरे कम हो जाता है, राइट और रॉन्ग? तो ये करेज और कॉन्फिडेंस कम होने के वजह से क्या होता है, चैलेंज ओवरकम करने के लिए हमसे नहीं होता है। सो इट इज वेरी इजी टू हैव अ चॉइस, इट इज वेरी इजी टू टेक अ डिसीजन चेंज होने का, बट चैलेंज ओवरकम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस और करेज होना चाहिए, राइट? ओके, अभी आएगा टॉपिक के ऊपर। एक और सवाल आपको लिखने का है, व्हाई एम आई इन डीएक्सएल, प्लीज प्लीज राइट इट डाउन, मैं क्यों डीएक्सएल में आ गया।
ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका पावर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. आप जो है वो आपका उपबोध मनस के ऊपर होता है. इट बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आप जो भी कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. आपका जो कॉन्शियस माइंड खाली 10% है तो वो 10% को आपको 90% का ये सबकॉन्शियस माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं. इसलिए आपको आपका गोल लिख के रखने का है, उसको देखने का है. क्योंकि मैं जो भी चीज आपके साथ बता रहा हूँ, जो मैं ट्रेनिंग अटेंड किया, नहीं तो मैं न्यूरोसाइंस चले गया, मैं साइकोलॉजी लिया, वो टेक्स्ट के से नहीं बात कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. आई हैव प्रूव्ड इट. दैट इज द रीजन व्हाई आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. नहीं तो मैं आपके साथ ही बैठेगा. In 1997, I was gifted a book by my brother, my big brother. He was working for the Indian Air Force. जबी वो कुटन पे गया तो उधर से उसने एक बुक खरीद लिया. खाली 4 pages है उसमें और इतना छोटा बुक है. How to become a millionaire. और मेरा बड़ा भाई का एक आदत है जो he want fast cash. तो उसने वो सोचकर वो बुक लिया और जब वो मेरे को मिला तो उसने रिकॉर्ड किया. उसमें पहले पेज में ही लिखा है Don't go to the fourth page. आपको हर पेज पढ़ के फोर्थ पेज पे जाना है. हमारा एटीट्यूड क्या होता है पहले से वो फोर्थ पेज पे जाने के पहले. चलो फोर्थ पेजेस है ना, पहला पेज में देखा मार्टिन लूथर किंग ये है वो है, वो सक्सेस हो गए. लेकिन कैसे सक्सेस हो गए उस पर लिखा नहीं है. अब्राहम लिंकन वाज दिस दैट. अरे पूरा जो चार जन है वो बाहर निकलो, वो ऐसे हो गए ऐसे हो गया, हम कैसे हो जाए. उधर का वातावरण और इधर का वातावरण अलग है. लेकिन लास्ट पेज में जो चीज लिखा है इट हैज वर्क्ड मिरेकल्स फॉर मी. आपका हाथ में जो लिक्विड कैश क्या है वो आपको एक अच्छा सा बुक के ऊपर लिख के रखने का है. और उसको आपको हर टाइम जब भी आपको फ्री मौका मिलता है उसके ऊपर देखने का है, ऐसा महसूस होने का है. इट इज ग्रोइंग, इट इज मल्टीप्लाइंग. अच्छा काम है, अच्छा काम है. 3 साल मैं उस टाइम दुबई में काम कर रहा था. मेरा सेविंग वाज जस्ट 50,000. तो मैंने सोचा बुक में लिख के रखेगा 50,000 और उसमें देखेगा और ऐसा फीलिंग आएगा ये ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है. ऑटोमेटिकली तो ये ग्रो हो जाएगा तो अच्छा है ना. यू विल नॉट बिलीव आई स्टार्टेड डूइंग इट. एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गया, 3 हफ्ते हो गया, बुक में वो भी 50,000 है, बैंक अकाउंट में भी 50,000. लेकिन जो चेंज हुआ इट वॉज मिरेकल्स. आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो एक प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, प्योर नॉन वेजिटेरियन. मेरा वाइफ एक प्योर वेजिटेरियन राइट. लेकिन इंडिया का जो हमारा जो कल्चर होता है ना, वाइफ देखो एवरीथिंग फॉर द हस्बैंड के लिए कब हर चीज बनाना है, तो शी मेक्स एवरीथिंग फॉर यू. जब भी वो नॉनवेज कुक करता है चिकन एक साइड में होगा, अनियन एक साइड में होता है, जो ग्रेवी होता है वो एक साइड में होता है. इट इज लाइक. बट मैं एक चीज भी नहीं बताता हूँ आई डोंट नो, तो मैं उसके ऊपर यू नो गाली देने से इट इज नॉट राइट. मैं लेता हूँ उधर जाके मैं जबरदस्त नॉनवेज खाता है, उसके साथ एक दिन ऐसा हुआ 3 rounds मैंने मारा. मेरे दिल में यह ऐसा फीलिंग हो गया मैं जो कर रहा है वो गलत है, वो मेरे लिए खाना पका के मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मैं इधर जाके खाकर जाऊँ. तो मैं 3 rounds मैंने किया. मैंने बोला चलो मैं आज नहीं खाया, उधर गया मैंने खाना खाया. My saving that particular moment was 100 dirhams. उसी टाइम मेरा सेविंग 100 dirhams था. ओके, तो मैं सोचा अब चलो ये 100 dirhams मेरा हाथ में आ गया. अगला दिन मैंने ऐसा किया, सो इट वाज एंड ऑफ द मंथ. This happened to me. It is not a joke. इसलिए I will tell you why to write a goal. I will prove it to you now. Okay.
हम ये अकाउंट में भेजेगा, तो उस टाइम एक दिरहम होगा 10 रुपीज, तो 360 dirhams मतलब 3600 रुपीज आएगा, तो 50,000 will become 53,600. तो मेरा वाइफ मेरे को आके बोला मेरा पास भी कुछ पैसा है, जब जब मैं आपका जेब से निकलता है वो है, तो वो इकट्ठा करके 5,000 करके डालेगा. Now believe me, the momentum started from there. Within 3 years, I made 9 lakhs of जो चीज आपको आपका नजर में है वो आपको हिट कर सकते हैं. अगर वो चीज आपका नजर में नहीं है तो आप उसको हिट नहीं कर सकते हैं. इसलिए आपको लिखने रखने का है, क्योंकि हम बोलते हैं ना इस विश होता है. What is the difference between a wish? What is the difference between a dream? What is the difference between a goal? ड्रीम होना चाहिए, बड़ा बड़ा ड्रीम होना चाहिए. किसको नहीं है ड्रीम? सबको ड्रीम है, लेकिन मैं यकीन के साथ बताता हूं आपका जो ड्रीम है वो असलियत में ड्रीम नहीं है, वो विश है. आई वॉन्ट टू बिकम लाइक चार्लेस, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक संतोष, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू नो मिश्रा सर, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक सिद्दीकी सर. It is a wish. It is a wish. वो हर टाइम कभी भी वो चेंज कर सकते. बच्चे लोग को पूछो बेटा क्या होने का है, पापा मेरे को गाड़ी चलाना ऑटो, क्योंकि वो ऑटो पे जा रहा है तो वो आपके लिए उसको ऐसा ऐसा घुमा के जाता है, तो उसका दिमाग में यह फीलिंग हो रहा है ऑटो ड्राइवर बन जाएगा. तो यू नो आफ्टर फ्यू इयर्स यू आस्क हिम, नहीं नहीं आई वांट टू बिकम समथिंग एल्स, राइट और नॉट. लेकिन अभी हमारा जमाना ऐसा नहीं है. जो ड्रीम होता है वो विश से क्या होता है, आपका नींद को उठता है, कभी कभी नींद को खराब करता है. दैट इज कॉल्ड द ड्रीम. आपको बैठने के लिए नींद देता है, फिर क्या होता है, इट बिकम्स ए गोल. वो गोल आपको लिख के रखना पड़ेगा. आप इधर रख लो,
से चार है तो ये एक विश है। अगर आपका ट्री प्लान के साथ चार है तो वो एक गोल है और आपको शामिल करेगा, वो हासिल करेगा। ओके, उसके लिए मैं आपको शुरू करता हूँ। चार बेडरूम विला लेने का है और एक BMW
प्लेनिंग का था, फिर मेरे को समझ में आ गया चार दो पेट्रोल करते स्कॉर्पियो करेंगे। और दो तीन साल के बाद मेरे को समझ में आ गया दो बेडरूम मिलना भी नहीं होगा, स्कॉर्पियो भी नहीं होगा, चलो एक फ्लैट लेगा ऑल्टो ले। तो हमारा फोकस किधर होता है? एंड रिजल्ट पे होता है। एंड दैट इज नाउ। कभी भी आपको आपका गोल नहीं चेंज करने का है, यू नीड टू चेंज द प्लान। प्लान आप चेंज करो लेकिन गोल उतर ही रहना चाहिए और वो गोल को आपको शामिल करने का है। ओके, नाउ लेट मी गिव यू द कॉल। आप कितना स्टेप्स पीछे गए? ओके, सो कम टू स्टेप्स फॉरवर्ड। ओके एक्स, ओके ओके एक्स स्टेप राइट, मूव वन स्टेप राइट, वन मोर स्टेप। ओके नाउ टू स्टेप्स बैक, साइड साइड सेम पोजीशन आ गया राइट। नाउ हे मैन, डोंट फोकस ऑन द बिलियन, फोकस ऑन द focus, focus on the target. Okay? Visualize the target. जब वो target आपके visual में आ रहा है, you can drop the ball. ठीक है? Right.
it is shifting. They shifted the plant to Gujarat. Nanukar came on. Issues will be there. Issues is there in life. Right or not? Agar zindagi hai, to usme problems aa jayega. We need to learn how to solve these issues. Aap see, mathematics sikhane ke liye teacher hai, physics sikhane ke liye teacher hai, hindi sikhane ke liye teacher hai, lekin life sikhane ke liye teacher nahi hai. Right or not? You need to learn it from your current experiences. So problems aane do, har problems aayega, you become stronger and stronger. Right or not? Okay, so let us see how to sort out the problems. Okay, ये सब topics बहुत ऊपर गहराई पे जाने का है, लेकिन shortage of time is there. 1 o'clock is the lunch break, so I don't want to take too much of time because there are two more speakers. तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी का है, wish से dream पे जाते हैं वो goal बनने के लिए planning होना चाहिए. Never ever change your goal. आपका goal को कभी भी change नहीं करने का है. Planning आप चेंज कर सकते हैं. सिद्धि पे आने का है मेरे को, आप बस में आ सकते हैं, आप ट्रेन में आ सकते हैं, यू कैन कम बाय फ्लाइट आल्सो. राइट और नॉट, दैट इज योर चॉइस. आपको मालूम होना चाहिए ये जो ब्लैक स्पॉट इसलिए रहेगा, दुनिया में कितना वंडर्स है, हाउ मेनी वंडर्स आर देयर इन दिस मदर अर्थ. 7 वंडर्स मेनी वंडर्स. आप बता सकते हैं अजूबा अजूबा लेकिन सोच में आ गया, तो वो पिक्चर पहले किधर आ गया. He was able to visualize it. अगर आपको आपका सक्सेस विजुलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसमें हो जाएगा. राइट और रॉन्ग? ओके, सो इंसान ने बनाया. एंड ऑफ द डे चाचा बनी से ह्यूमन बींग. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बनाया? ह्यूमन बींग्स ने बनाया. इजिप्ट का जो पिरामिड किसने बनाया? ह्यूमन बींग्स ने बनाया. जब भी मैं यूएई में था उसी टाइम जो ग्रेट टावर तो खलीफा टावर नहीं था, हम लोग ये भी फाइनलाइज करेगा प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करने का. राइट, कैन वी टेक नंबर 1, 2, 3 आपका नंबर आपको मालूम होना चाहिए. 1, 2, 3 sir. 1, 2, 3 madam. Ah, chalo. What he had got on this action? Akash. Now inshallah.